जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, 19 मई 2023 को शनि देव की जयंती है। शनि देव का पर्व है और शनि देव सूर्य के पुत्र तो जरूर हैं, लेकिन शनि और सूर्य एक दूसरे के ध्रुव विरोधी भी हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि देव और सूर्य देव पिता पुत्र होने के साथ साथ इन दोनों में शत्रुता है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो क्यों है इन दोनों में शत्रुता? इसका संबंध शनि देव के जन्म से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं शनि जयंती की कथा और शनि देव की कथा। और 19 मई 2023 को शनि देव की जयंती है। शनि देव की कृपा पाने के लिए हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इस दिन शनि देव की भक्ति पूर्वक व्रत और उपासना करते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं, वह पाप की ओर जाने से बच जाते हैं, जिससे कि शनि की दशा आने पर उन्हें कष्ट नहीं भोगने पड़ते और शनि देव की पूजा से जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों के दोष से मुक्ति मिल जाती है। और शनि देव सूर्य देव और माता छाया के पुत्र हैं, लेकिन शनि देव और सूर्य देव एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसका संबंध शनि देव के जन्म से जुड़ा हुआ है। तो आइए अब आपको बताते हैं शनि देव के जन्म से जुड़ी हुई वह कथा। तो दोस्तों, स्कंद पुराण की कथा के अनुसार सूर्य देव की शादी राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुई थी और सूर्य देव में इतना तेज है कि संज्ञा उस तेज से परेशान हो चुकी थी। और संज्ञा और सूर्य की 3 संतान हुई थी, जिनका नाम वैवस्वत, मनु, यमुना और यमराज है। और कुछ समय तो संज्ञा ने सूर्य देव के साथ रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि सूर्य के तेज से संज्ञा परेशान हो चुकी थी और अधिक समय तक वह सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पाई। तो सूर्य देव के तेज को कम करने के लिए संज्ञा ने एक उपाय किया और उसकी भनक सूर्य देव को भी न हो, इसके लिए संज्ञा ने पति की सेवा और अपने बच्चों के लालन पालन के लिए वो अपने ही तपोबल से अपनी हमसकल स्वर्णा को उत्पन्न किया, जिसे छाया के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद संज्ञा ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को छाया को सौंप दिया और वह अपने पिता दक्ष के घर चली गई। लेकिन दक्ष ने भी उनका साथ इस कार्य में नहीं दिया, इस कार्य में उनका समर्थन नहीं किया और उनको आदेश दिया कि वह वापस सूर्य लोक को चली जाएं। लेकिन संज्ञा ने दक्ष की अपने पिता की बात को नहीं माना और वह वन में चली गई और वन में जाकर वहां घोड़ी बनकर तपस्या करने लगी। और दूसरी ओर छाया रूप होने के कारण स्वर्णा को भी सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई और कुछ समय बाद ही छाया और सूर्य देव के मिलन से शनि देव और भद्रा का जन्म हुआ। और जन्म के समय से ही शनि देव श्यामवर्ण यानी सांवले रंग, लंबे चौड़े शरीर और बड़ी बड़ी आंखों वाले और बड़े बड़े केसों वाले थे, बड़े बड़े बालों वाले थे। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार छाया पुत्र होने के कारण शनि देव का रंग काला था, जिसके चलते सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और साथ ही सूर्य देव ने छाया के चरित्र के ऊपर भी संदेह कर लिया और उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने छाया पर आरोप लगाया कि शनि देव उनके पुत्र नहीं हो सकते। और बस इन्हीं कटु शब्दों से, इन्हीं कटु वचनों से शनि देव क्रोधित हो उठे और अपने पिता सूर्य देव की ओर देखने लगे। तो सूर्य पुत्र होने के कारण शनि देव में भी इतना तेज था, इतना प्रताप था कि जैसे ही शनि देव ने क्रोधित होकर सूर्य देव की तरफ देखा तो सूर्य देव काले पड़ गए, सूर्य देव का रंग सांवला हो गया। और बाद में जब सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब जाकर सूर्य देव को पुनः अपना मूल रूप प्राप्त हुआ। तो शास्त्रों के अनुसार इस घटना के बाद से ही शनि देव और सूर्य देव के रिश्तों में खटास आ गई और दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि सूर्य देव शनि देव को अपना शत्रु नहीं मानते और वहीं दूसरी ओर शनि देव सूर्य देव को अपना शत्रु मानते हैं। तो ये थी शनि देव के जन्म और शनि देव और सूर्य देव के संबंधित जानकारी या फिर शनि देव के जन्म की कहानी। तो दोस्तों, 19 मई 2023 को शनि देव जयंती है। इस दिन आप शनि देव की पूरे विधि विधान से पूजा उपासना करेंगे, व्रत रखेंगे और ये 5 चीजें
आप शनिदेव को अर्पित कर देंगे जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो इससे आपको शनिदेव के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी, शनि से होने वाले कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही शनि की ढैया के अशुभ प्रभाव भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों इतना तो आप सब जानते होंगे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने शनिदेव को बंदी बना रखा था और रावण के चंगुल से शनिदेव को बंधन मुक्त हनुमान जी ने किया था और बंधन मुक्त करने के बाद हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों के तेल की मालिश की थी और शनिदेव को दर्द से मुक्त किया था। तो दोस्तों तभी से शनि की शिला पर सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। तो शनि जयंती के दिन या फिर आप शनिवार के दिन शनि की शिला पर सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं तो आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही आपके सभी प्रकार के दुख दर्द भी समाप्त हो जाएंगे। और अब आपको दूसरी चीज बताते हैं, तो शमी के पौधे को भी शनि देव का पौधा माना जाता है। इसके साथ ही माना जाता है कि भगवान शिव को शमी चढ़ाने से शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। और शमी के फल पत्ते जड़ चढ़ाने से भी शनि देव के प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाते हैं और इसके साथ ही आपको आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलने लगेगा। और अब तीसरी चीज आपको बताते हैं, नीले रंग का संबंध शनि देव से है और शनि देव को नीले रंग के फूल भी अति प्रिय हैं। तो शनि जयंती पर अपराजिता के फूल, आग के फूल शनि देव के चरणों में अर्पित करेंगे तो आपको तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपके तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे और नौकरी में चल रही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और अब आपको चौथा उपाय बताते हैं, तो शनि जयंती के दिन आपको एक जूट वाला नारियल लेना है और 100 ग्राम काले तिल ले लें, 100 ग्राम उड़द की दाल ले लें और एक लोहे की कील ले लें और इन सब चीजों को आप काले कपड़े में बांध दें और उसके बाद शनि मंदिर में चले जाएं और वहां जाकर शनि चालीसा का पाठ करें और ये सब चीजें शनि देव के आगे अर्पित कर दें। और शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आप इन सब चीजों को बहते हुए पानी में भी प्रभावित कर सकते हैं और शनि देव को भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शनि दोष से भी मुक्ति मिलेगी और पितृ दोष में भी कमी आती है और आपके घर में धन में भी वृद्धि होने लगेगी। और यदि आपके घर में नजर लगी हुई है, आपके काम धंधों पर नजर लगी हुई है तो ये उपाय नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए रामबाण उपाय है, आप इसको अपना कर जरूर देखिए। और अब आपको पांचवा उपाय बताते हैं, इसके लिए आपको ये करना है, काले तिल ले लेने हैं। काले तिल का कारक शनि देवी ही है तो शनि की पीड़ा से राहत पाने के लिए आप इस उपाय को शनि जयंती के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और एक मुट्ठी काली उड़द लेनी है और ये चीजें शनि देव को अर्पित कर दें और साथ ही एक रुपए का सिक्का भी चढ़ा दें और शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको शनि की ढैया और शनि की साढ़े साथी के दोषों के दुष्प्रभाव में भी कमी आएगी और राहु केतु के दोष भी शांत हो जाएंगे और इसके साथ ही आपके सभी काम सफलतापूर्वक सरलतापूर्वक पूरे होने लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।